नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। पुणे के कोथरूड में स्थित एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के कई विद्यार्थियों को कोरोना हो गया है। इस वजह से आने वाले समय में ऑफलाइन क्लासेस और परीक्षाओं को लेकर संस्थान बेहद सतर्क हो गया है और कोरोना संबंधी नियमों के पालन में सख्ती और ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक संस्थान में कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके विद्यार्थियों को ही ऑफलाइन क्लासेस के लिए इजाजत दी गई है। एमआईटी में विद्यार्थियों को कोरोना नियमों का पालन सख्ती से किए जाने का निर्देश भी दिया गया। इसके बावजूद विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण होने से चिंता व्यक्त की जा रही है। दो तीन दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उन्हें संस्थान के वर्कशॉप में कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए जगह दी गई। एक कोरोना संक्रमित विद्यार्थी के संपर्क में 25 विद्यार्थी आए। जब उन सबका कोरोना टेस्ट किया गया तो 13 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल इन सभी विद्यार्थियों की हालत स्थिर है। 8 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 4 विद्यार्थियों की रिपोर्ट आना का फिलहाल इंतजार है। फिलहाल इनमें से एक भी विद्यार्थी ओमिक्रॉन संक्रमित नहीं पाया गया। संस्थान के एक कोने में स्थित वर्कशॉप में ये विद्यार्थी नेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, इसलिए इन विद्यार्थियों का संपर्क बाकी लोगों से नहीं हुआ है। एमआईटी प्रशासन की ओर से फिलहाल अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है और कोरोना नियमों का पालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। कोरोना संक्रमित विद्यार्थियों के संपर्क में क्या और लोग संपर्क में आए, इस बात की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही ऐसा कोई व्यक्ति या विद्यार्थी पाया जाएगा, उनका तुरंत कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। ऐसे में पूरा कैंपस बंद करने का कोई कारण फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कैंपस में विद्यार्थियों को एंट्री दी जा रही है। संस्थान द्वारा हर तरह की सावधानियां भी बढ़ती जा रही है। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।